के हरदोई में हुई हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यह हत्या की वारदात पिहानी कोतवाली इलाके के निपनिया गांव में 24 अक्टूबर को हुई थी। किशोर की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से एक तमंचा, 2 लाइसेंसी बंदूक के साथ कारतूस व खोखे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के मुताबिक मृतक का बड़ा भाई 1 साल पहले हत्यारोपियों के परिवार से एक लड़की को लेकर चला गया था और शादी करके दिल्ली में रह रहा है। इसी बात की रंजिश के चलते इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। एसपी ने बताया कि हत्या के मामले में जो अन्य फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 24 अक्टूबर की रात को पानी कोतवाली इलाके के निपनिया गांव में 16 वर्षीय अनुराग यादव की उसके घर में घुसकर पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के चाचा संतराम ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने निपनिया पुल के पास से आरोपी अखिलेश, बबलू व अनूप को गिरफ्तार कर लिया है। बताते हैं कि थाना पिहानी के यादव निपनिया गांव में 24 तारीख की रात्रि को लगभग 8 बजे ये घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें कि अभियुक्त अखिलेश, बबलू, अनूप आदि ने एक व्यक्ति के घर में घुस के वहाँ गोली मारी थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना की सूचना के बाद तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुँचा था। सभी अफसर द्वारा फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस घटना के बाद तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद एविडेंस कलेक्शन की और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। उस इन्वेस्टिगेशन में जो नामजद अभियुक्त थे वो और उनके अलावा इन्वेस्टिगेशन की गई और अभी पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 लोगों को, जिसका नाम अखिलेश उर्फ रामलखन, बबलू उर्फ जैनिश और अनूप उर्फ मुन्नू, इन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से एक अदद तमंचा, जो नाजायज तमंचा था, वो बरामद किया है। साथ ही 2 इनके पास से लाइसेंसी बंदूकें जो अभी आपने देखी वो भी बरामद की हैं। जो घटना का मोटिव है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो अभियुक्त की जो भतीजी है, उनका जो मृतक है उनके बड़े भाई के साथ में प्रेम विवाह हुआ था और वो लोग अभी दिल्ली में अपने परिवार के साथ वहाँ रह रहे हैं। उनको एक पुत्र भी है। इस बात को लेके दोनों परिवारों के मध्य में एक रंजिश थी, कसीदगी थी, जिसको लेके इनमें कहासुनी होती और उसके ही बाद उस क्रम में अभियुक्त ने इस व्यक्ति के जो मृतक है उसको घर में घुस के गोली मारी थी उसको, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस घटना को बहुत कम समय में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। जो अभियुक्त इसमें बच गए हैं उनके भी सभी गिरफ्तारी पुलिस जल्द ही कराएगी और इसमें सारी परिस्थितियों को देखते हुए इसमें पुलिस आगे भी सख्त कार्रवाई करेगी। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई के बारे में भी विचार किया जाएगा। कोई अपराधी ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.